अस्सलाम वालेकुम और गुड मॉर्निंग। तो रात को बहुत लेट सोए थे, अराउंड 12-1 बजे मेरे ख्याल से। तो सुबह आंखें नहीं खुली मेरी, तो मैं उठा अभी 10:30, और अब जा रहा हूँ मैं ब्रेकफास्ट लेने। और अब तो आपको पता चल गया अगर रोज़ ब्रेकफास्ट किया है, ब्रेकफास्ट वही चिकन चिली सैंडविच होगा। वैसे पूछूंगा उनके पास कुछ और मेन्यू में है तो वो ले लूँगा। और जैसे मुझे वो चॉकलेट मिल्क पसंद है तो सोच रहा हूँ वो बड़े वाले ले लो, क्योंकि दोपहर को भी शाम को भी पी लूँगा। तो शोर अवॉइड करिएगा, वो इतने ट्रैफिक चल रहे और इतनी तेज़ गाड़ियाँ चलाते हैं और सबके एग्जॉस्ट भी चेंज हुए होते हैं, तो स्लो तो कोई चलाते ही नहीं ना। और सामने एक गाड़ी देखना जिसकी स्पीड देखें, चले मैं जा रहा हूँ। और तो मेरे घर के पास बकाला है ना ग्रॉसरी स्टोर, उसमें छोटे वाला पड़ा हुआ है। जैसे ये देखो ना, जैसे देखो स्ट्रॉबेरी में पड़ा हुआ है ना, उसमें चॉकलेट मिलेगी। तो फिर मैंने सोचा कि ये छोटे वाले ही 2 या 3 ले लेते। तो आज मुझे ज़्यादा भूख लगी है तो मैंने फिर 2 चिकन चिली ली है। तो जी ये रहा आज का ब्रेकफास्ट, ये कोक और वो दूध और ये पराठा रोल सैंडविचेस। अब आई एम गोइंग होम। कैमरे का कलर चेक करें, ग्रीन सा है और कितना अच्छा लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम। और अभी 4 बज रहे हैं और मगरिब के टाइम होने वाला है 5। तो घर के पास एक बहुत प्यारी मॉस्क है, मस्जिद जिसको कहते हैं, तो मैंने सोचा उधर जाके आपको दिखाऊं कितनी प्यारी है और क्या सब कुछ है। रात के 2 बज रहे हैं और ठंड फुल है और ये बंदा नींद आ रहा है। नासिर खान ठंडी लग रहा है, कहते आज वॉक पे चले गए। देखिए जी अब हम वॉक पे निकले हुए हैं। जी सर टाइम, तस्वीर किसका लगाया है? मेरा बच्ची है। तो ये आप कहाँ, आपका ताल्लुक कहाँ से है वैसे? लकी मरवत। लकी मरवत से? हाँ यार। अस्सलामुअलैकुम और गुड मॉर्निंग, नहीं बल्कि गुड इवनिंग। आज मैं थोड़ा लेट उठा था 12-1 बजे। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि वीडियोज़ ही नहीं आ रही, तो असल में है ऐसा कि इधर मैं 3-4 जगहों पे गया था, वो कहते हैं ओनली फैमिलीज़ हैं, वो हिली फन सिटी है और इस तरह की 2-3 और चीज़ें थी। तो फिर मैं कहीं गया ही नहीं। तो होपफुली 3-4 दिन में मैंने दुबई जाना है तो फिर अच्छे व्लॉग्स आ जाएंगे। तो ये मैंने सोचा एक क्विक अपडेट कर दूँ। और अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ ज़रा सैंडविच वगैरह लेने, दोपहर का खाना खाएं ज़रा। और बस ये वो कैफेटेरिया जिससे मैं लेता हूँ चिकन चिली सैंडविच इज़ इक्वल टू पराठा रोल। इधर ना इन्होंने ऐसे स्कूटर टाइप रखे होते हैं, इस पर नंबर प्लेट भी नहीं होती, और इसको जस्ट आई गेस फुटपाथ पे ही ड्राइव कर सकते हैं, राइड कर सकते हैं, कहीं और नहीं कर सकते। तो यस, तो ये 6 धर्म्स के 2 मिले और 4 धर्म्स बच गए। अस्सलाम वालेकुम और गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं 11 और आज है जुम्मा। तो ब्लैक ड्रेस, ब्लैक शेड्स, ब्लैक वॉश, ब्लैक मास्क। अभी जुम्मा पढ़ने जा रहे हैं और आपको दिखाते हैं खूबसूरत मस्जिद। और इधर जुमा अजान के फौरन 5 मिनट बाद ही हो जाता है। तो यस, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक 12 बजे जुमा होना था और अब पता चल रहा है 12:30 होगा जुमा।
तो आई एम जस्ट वेटिंग के बाहर अभी तो हुए हैं 11:34। इधर अगर आपके पास जाए नमाज नहीं है तो ऐसे मिलता है, ये पेपर से बना हुआ है। कोई भी गाड़ी यहाँ पे, कोई भी गाड़ी खड़ी हो ना, इस बंदे का काम है। ये देखें कोई ना कोई डिज़ाइन, बहुत ही फिलहाल इंसान है। गाड़ी ढूंढते भी ऐसी मिट्टी वाली गाड़ी इसको मिले। ऐसे ही खान साहब, ये क्या बनाया है? दिल गर्लफ्रेंड के नाम ऐसे शुरू होता है नहीं तो क्या है तो जी कुछ करने को था नहीं, तो मैंने सोचा थोड़ी शॉपिंग वगैरह कर ली जाए और गिफ्ट वगैरह ले लूँ जिनके साथ मैं रह रहा हूँ, क्योंकि दो दिन रह गए हैं, फिर मैं दुबई चला जाना है और फिर इंशाल्लाह सऊदी। तो ये मैं हिली मॉल आया था, और देख रहे सिग्नल है ना, आपको ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग से ही जाना है, आप बीच में से नहीं जा सकते। पाकिस्तान में तो आप बीच में से गुजर जाओ, और वो देखो उस पर येलो वाला लगा हुआ है ना, वो स्टॉप का है कि जब आप पहुंचो आप स्टॉप कर लो और आप इजीली जा सकते। जो सोचा हुआ है कि मैं परफ्यूम्स ले लेता हूँ, दे आर ऑलमोस्ट 5 to 6, तो परफ्यूम ही सही है। ठीक है, देखते हैं भी कहाँ पड़े हुए हैं, क्योंकि आज फ्राइडे है तो कुछ सेल वगैरह भी शायद हो, क्योंकि इनका तो वीक है। ये है परफ्यूम सेक्शन, काफ़ी ऑफर्स भी हैं, तो मुझे लेने हैं 7 परफ्यूम्स टोटल। तो यस सॉरी, मुझे सब परफ्यूम्स की शॉपिंग करते हैं और मिलते हैं। अभी देखिए 7 बार्स हैं मार्स, और बड़ी वाली हैं, छोटी वाली नहीं है। और इसकी प्राइस क्या है? 10 dirhams ओनली। कितना सस्ता है, इनके ऑफर्स अच्छे होते हैं। देखो कैडबरी भी, हर चीज़ इकोनॉमिकल प्राइसेस में है। अब देखो मेरे फेवरेट चिप्स पे भी ऑफ है, इट्स फॉर 16, और वैसे एक ही ये 3 है अभी ना 16 में, और वैसे एक ही ये 8 का होता है, गुड ऑफर, ले लेते हैं एक ही भी। और इससे तो आप लोग वाकिफ होंगे, मेरा फेवरेट ड्रिंक। और ये तक 945 पे ये भी ले लेते हैं। तो ये शॉपिंग तो हो गई है। अब देयर इज़ अ कस्टमर सर्विस, वहाँ से आप फ्री में गिफ्ट रैप भी कर सकते हो, दैट्स अ कस्टमर सर्विस। बट जो करेगा उसको थोड़ी सी टिप देंगे बस, दैट्स इट। आई डिसाइडेड तो मैं फ़ोन चेक करने आया था। देखो डिस्प्ले में फ़ोन है, उसका भी लाइन आया हुआ है। इसकी प्राइस है 4639 11 Pro Max और 1228। अच्छा, तो अभी गिफ्ट रैप भी हो चुके हैं, और आपको पता है अगर आप लुलू से शॉपिंग करो तो आपके गिफ्ट रैप बिल्कुल फ्री होते हैं। बट मुझे ऐसे अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मैंने थोड़ा काम है तो मैंने उसको टिप दे दी जो कर रही थी। और मैं आपको अभी गिफ्ट रैप दिखाता हूँ कैसे। फ़िलहाल मैं फूड कोर्ट आया हूँ, और ये देखो KFC मैंने ऑर्डर किया हुआ है, जैसे पाकिस्तान में होते हैं ना राइस एंड स्पाइस, वैसे इनके हैं, उसको कहते हैं रीजो। तो अब वो खाते हैं, फिर आप खाता हूँ। ये देखें, सब गिफ्ट रैप हो चुके हुए हैं, इसमें एक परफ्यूम है और एक एक चॉकलेट है। तो बुलावा आ गया है, और ये हमारा खाना है, अभी ये खाना हम लेके जा रहे हैं अपनी जगह। उतना रश नहीं है आज, जिस तरह वीकेंड है शायद शाम। जैसे मैं लुलू गया था, उधर ये पेप्सी का था 2.5 का कोक का कैन, इधर से अगर मैं लेता इट्स 10, तो बचत हो गई ना। अभी पापा जॉन्स में एक लड़की की बर्थडे थी, वह आई गेस चाइनीज़ या फिलिपाइन, तो मेरे पास एक परफ्यूम एक्स्ट्रा था, तो आई गिफ्टेड हिम दैट।
खुशी होती है छोटी चीज़ों से. सो इट वाज हिज बर्थडे, ही गिव मी हिज केक. थैंक यू. थैंक यू सर. हैप्पी बर्थडे. थैंक यू. ओके. थैंक यू पंडा पेपर सर. इसका जो फायदा मैंने पापा जॉन्स वाले बॉय को परफ्यूम गिफ्ट किया था, तो ही केम और ही गिव मी हिज बर्थडे केक. और यस, खाना भी खा लिया और मीठा भी हो गया. यस. तो जी, खाना शाना हो गया. अब घर चलते हैं, इस वीडियो को एडिट करते हैं, पोस्ट भी कर देते हैं. और इंशाल्लाह परसों 28 या 29, दोनों में से एक दिन में मैं दुबई चला जाऊंगा, एक या दो दिन उधर रह के फिर इंशाल्लाह सऊदी. और चीज़ मैं सोच रहा था, मेरे बाल ना बड़े जीप हो गए हैं, मतलब बन नहीं रहे हैं ये जो भी है, तो मैं कैप ले लेता हूँ, ज़्यादा ईजी रहेगा, बालों की टेंशन नहीं रहेगी, वरना बहुत मैसी लुक आती है कभी कभी ना. तो यस, लेट्स गो होम और गुड बाय.